प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सिक्स्थ के तृतीय पाठ आकारांत नपुंसकलिंग के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तीन पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं और पीछे के यदि आप पाठ पढ़ना चाहें तो वह मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप जो है सिक्स्थ क्लास के आइकन में वह सारे के सारे पाठ एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है कि वर्ण संयोजनम कृत्वा, इन वर्णों का संयोजन करके अर्थात इन्हें इकट्ठा करके पदम उस पद को, उस शब्द को कोष्ठके लिखत, आपको इस कोष्ठक में लिखना है। तो आइए हम, जैसे इसने पहले एग्जाम्पल दिया है, यथा का अर्थ है उदाहरण, इसने पहले अपना एग्जाम्पल दिया है कि कैसे करना है आपको। प के नीचे हलंत है, अब प क्या है, व्यंजन, और उसके नीचे हलंत लगाने का अर्थ हुआ कि अब प में कोई भी स्वर नहीं है और प के प्लस का निशान है। अब ये आगे वाला इस में जोड़ना है, आगे है अ, ये अ जो है यह स्वर है। अब जैसे ही आप अ को इस प में समाहित करेंगे तो प के नीचे जो हलंत है वह हट जाएगा। यहां देखिए, ये प में कोई हलंत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इसमें अ समाहित है। यह बना प, र के नीचे हलंत है और आगे कोई भी स्वर नहीं है, यह र हमारा यो का यो आधा जो वर्ण है वह रह जाएगा बिना स्वर का। ये देखिए र ऊपर गया हुआ है, यह आधा र है, या बिना स्वर का आप इसे र बोल सकते हैं। आगे है ण, ण में हलंत है और उसके आगे है अ। अब ये जो अ स्वर है यह व्यंजन को पूर्ण कर देगा, तो ण में यहां देखिए कोई भी हलंत नहीं है, अब इस ण में अ नामक स्वर है। और आगे है फिर म, अब म में हलंत है लेकिन उसके आगे कोई स्वर नहीं है, तो म को हम हलंत वाला ही रहने देंगे। अगर म से आगे कोई स्वर होता तो वह हम इस म को दे देते। तो यह नाम बन गया हमारा वर्ण संयोजन करके पूरा पद बना परिणम। उसी तरह आपको आगे वाले करने हैं। अब मैं आपको आगे वाले और करवा करके दिखाता हूं। यहां से आपको करना है, पहला नाम है जैसे हमारा ख, ख क्या है, हलंत। ये देखिए ख यहां हलंत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें ए को समाहित कर दिया, यह पूरा ख बना। न हलंत है, आगे है ई स्वर, अब ई जो है वो न में डाला, छोटी ई है तो हमने देखो न में छोटी ही ई की मात्रा रखी है, ख नहीं। और त हलंत और र हलंत, त और र ये दोनों ही जो है व्यंजन पूर्ण नहीं है और दोनों का एक नया व्यंजन बनता है त्र, तर का बना त्र, और तर दोनों ही आधे हैं, आगे इनमें अस्वर को हमने समाहित कर दिया तो यह त्र पूरा बन गया। अगर देखा जाए तो त तो आधा ही है, बिना स्वर का ही है, लेकिन र में अ मिल गया। अगर तर को आप विच्छेद करें तो तर आपको देखना पड़ेगा कि किससे बना, त और र से, त तो हलंत है लेकिन र इसमें क्या है, पूर्ण है, इसमें र में अस्वर है और मैं हलंत है, मैं को हमने हलंत के रूप में ही दर्शाया है, यह बना खनित्रम। आगे है प हलंत, अब आगे प को पूर्ण किससे करें, ऊ से, छोटा ऊ है तो यह बन गया हमारा पू। र हलंत है, र में हमने आस्वर डाला, क्या बना, रा। ण हलंत है, ण में हमने आस्वर डाला, क्या बना, अणा। न हलंत है, इसमें हमने ई की मात्रा डाली तो बना पुराणानि। उसी प्रकार से प हलंत, इसमें हम ओ की मात्रा डाल देंगे, क्या बना, पो।
श हलंत, इसमें हम अ को डाल दें, क्या बना श पूरा। क हलंत में आ डाला तो का, ण हलंत में ई डाला तो अणी, तो पूरा नाम बन गया पोषकाणी। उसी प्रकार क हलंत में हमने अ डाला तो यहां देखिए कपूर्ण अंग को हमने यों का यों लिख दिया है, क्योंकि ये जो अंग है हम जब बोलते हैं क ख ग घ अड़ अड़ नहीं होता, ये क ख ग घ अंग होता है। अब ये जो अंग है यह हमारा हलंत है लेकिन आगे स्वर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज यों रखा। और क हलंत अ, क में अ डाल देंगे तो क पूर्ण होगा, यह क जो है हमने इसके नीचे लिख दिया। आप ध्यान रखें हमेशा कि जो ऊपर वर्ण होता है वह आधा होता है और जो नीचे वाला वर्ण होता है वह पूरा वर्ण होता है, अर्थात उसमें स्वर है और ऊपर वाले में स्वर नहीं है। यहां ये बिना स्वर वाला ऊपर है और नीचे जो है इसमें क्या है, स्वर है। स्वर किसका है, क में, यहां देखिए क में अ नामक स्वर है लेकिन अंग में कोई भी स्वर नहीं है, यह बन गया कंक। और त हलंत, उसमें अ डाला, ये देखिए त पूरा और म हलंत, म को अधूरा छोड़ दिया बिना स्वर का। कंकतम, कंकतम अंग की मात्रा आ रही है लेकिन छोटी सी ध्वनि के रूप में। अब ये अंग जो है आप क के ऊपर यहां बिंदी लगा करके भी लिख सकते थे, क के ऊपर हम बिंदी लगा के भी कर सकते थे, वह जो सिस्टम है वह हमारा हिंदी में चलता है। संस्कृत में हम उस वर्ण को इस तरह भी लिख देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देखें, ये प्रश्न आपको दूसरा लिखना है कि अधोलिखिता नाम पदानाम, नीचे जो पद लिखे हुए हैं उनका वर्ण विच्छेद करो, उनका वर्ण विच्छेद कर दीजिए। अब ये शब्द क्यों नहीं कहा, इन्हें पद क्यों कहा है, यह ध्यान देने वाली बात है। पद जो है वह वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जैसे ये देखिए कि वर्ण संयोजन करके कोष्ठक में पद लिखें, अब ये सारे हैं तो शब्द अलग अलग, ये भी शब्द है ये भी शब्द है, लेकिन यहां पर इन्हें एक वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है इसलिए अब ये अलग अलग शब्द नहीं कहलाएंगे, अब इनको हम पद कहेंगे। ये भी पद है, ये भी पद, ये देखिए दिखाने में थोड़ी त्रुटि हुई, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। क्यों पद है, क्योंकि इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर चुके हैं इसलिए अब इन्हें पद कहेंगे। उसी प्रकार अब इनको भी हम पद कहेंगे। अब आप कहेंगे जी कि ये वाक्य में तो प्रयोग नहीं हुए, ठीक है वाक्य में प्रयोग नहीं हुए लेकिन इनमें विभक्तियां लगी हैं, इनमें विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। व्यंजनम, अब ये म लगा है इसमें, जैसे हम रूप बोलते हैं धातु बोलते हैं तो उनमें पठती और मूल रूप क्या था, पठ, तो पठ को तो हम शब्द बोल सकते हैं, मूल उसको धातु, मूल जो क्रिया का मूल रूप है वह धातु कहलाता है और वो शब्द की श्रेणी में भी आ जाता है कि पठ, लेकिन जब आपने उसे पठती बना दिया यानी आपने उसके अंदर जो है प्रत्यय लगा दिया तो अब वह एक पद का रूप प्राप्त कर लेगा क्योंकि उसका अर्थ अब कुछ और हो रहा है। तो उसी प्रकार से व्यंजनम, इसको पद की श्रेणी में माना है, पुस्तकम को भी पद कहा गया है। यहां आपको क्या करना है, इनका वर्ण विच्छेद करना है। यह देखिए व्यंजनम को कैसे करेंगे, वह देखिए यहां पर कैसा है, हाफ नजर आ रहा है आपको, तो आप वह लिख के उसके नीचे हलंत लिख दें बस। यह जो है उसको अलग कैसा करेंगे, यह के नीचे हलंत लगा करके यह की पावर निकाल देंगे और कौन सी पावर निकली, अ, अ स्वर की। उसी प्रकार से न, न को लिख करके हम क्या कर देंगे, न में से अ निकाल देंगे। अब देखिए वह आपने यों का यों रखा, य में से आपने अ निकाल दिया, ज में से आपने उसी प्रकार हलंत लगा करके अ निकाल दिया, न को रख करके हलंत लगाया और उसमें से अ को निकाल दिया। म के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि म पहले से हलंत लगा हुआ है तो उसे हम एज इट इज रख देंगे। व्यंजनम, आपको एक वर्ण लेना है, वो अगर आधा है तो उसे आप व्यंजन के नीचे हलंत के रूप में ही रहने दें, और यदि वो आपको बिना
हलंत का व्यंजन दिखाई दे रहा है तो आप उस व्यंजन के नीचे पहले हलंत लगाएं, फिर उसकी पावर को, स्वर को निकाल दें, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित रहता है। यदि वो हलंत वाला है तब उसमें कोई भी स्वर नहीं है। यह मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। यहां से आप अवलोकन करें, पुस्तकम को हमने इस पद का वर्ण विच्छेद करना है। पहला क्या है, पु यानी प लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे और किसे अलग करेंगे, उ को। उसके बाद में पु और फिर स। स कैसा है, स पहले से आधा है तो हम स को हलंत से ही शो करेंगे, उसका अलग कुछ नहीं होगा। फिर त, त पूर्ण है तो त लिखा हलंत और अ अलग किया। फिर क, क को हलंत किया और अ को अलग किया। और म, म। उसी के अनुसार भित्तिकम, अब ये भ पहले लिया, हलंत लगाया, ई को अलग कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए, ये त जो है ये डबल है, डबल त ऐसे लिखा जाता, त और फिर उसके साथ में ये थोड़ा सा और लगाया। तो सबसे पहले हम त लिखेंगे, इनमें एक आधा त है एक पूरा त है, तो आधा जो त है वो हलंत से शो करेंगे, जो ये पूरा त है उसके नीचे हलंत और उसमें से निकाल दी हमने ई की मात्रा। और फिर है क, क को हलंत और अ अलग किया और म एज इट इज रख दिया, भित्तिकम। उसी प्रकार नूतनानि, न को हलंत किया और उसमें से हमने निकाला दीर्घ उ, उ। फिर त, त को हलंत किया और उसमें से निकाला हमने आ। और फिर न, न को हलंत किया और स्वर निकला आ। उसी प्रकार से नि, न को हलंत किया और स्वर निकाल दिया ई, नूतनानि। उसी प्रकार से वातायनम, व हलंत आ, त हलंत आ, य हलंत अ, न हलंत अ और म। उपनेत्रम, उ स्वर है यों का यों रखा, प में हलंत लगाया, अ को अलग किया, न को हलंत किया, ए लिखा, त को हलंत, ये त्र फिर आ गया, त और र, त आधा है, र पूर्ण है, क्यों, र में असमाहित है, वो अ हमने अलग कर दिया और म, उपनेत्रम। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह मैं पहले भी करवा चुका हूं और दोबारा भी आपको ये दो प्रश्न मैंने करवाए। कार्य हम बिल्कुल छोटा छोटा कर रहे हैं, जैसे पांच या छह शब्द वो थे और पांच के करीब ये हैं, तो दस ही आपको मैंने पद करवाए हैं, जोड़ना और उनको तोड़ना, ज्यादा कार्य नहीं है। यह आप समय पर कीजिए और इन चीजों का आप अगर छोटा छोटा कार्य करते रहेंगे तो आपका कार्य भार ज्यादा नहीं होगा। इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिखिए और आपके समय पर जो है ये हमसे चेक करवाइए। पीछे के जो आप हमारे वीडियोस हैं वो मेरे चैनल में जाके गुरुजी आरपी शोरान में प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको एक साथ वो मिल जाएंगे, आइकन मिल जाएगा उनको। ये कार्य समय पर करें। धन्यवाद।